बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सी फूड पास्ता। उसके लिए लिया है मैंने प्याज, एक दरमियाने साइज का प्याज लेना है आपने। उससे पहले थोड़ा सा जो है फ्राई कर लेना है। और इसके अलावा इसमें हम शामिल कर रहे हैं ऑयल लेना है आपने हस्ब ज़रूरत की, जिसमें प्याज फ्राई हो जाए। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, प्याज भूनने के साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी गार्लिक, लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने एक साइड पे जो है पास्ता जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। टैली पास्ता लिया है मैंने। आप जो हैं इसे जो है 10 से 15 मिनट में इसे बॉयल कर लें। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून सॉल्ट और थोड़ा सा जो है इसमें ऑयल शामिल किया है। प्याज हल्का हल्का फ्राई हो जाए उसमें आपने शामिल कर देना है गार्लिक पेस्ट। और ये जो है मैंने घर पे ही जो है गार्लिक का पेस्ट रेडी किया हुआ है। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है और इसकी जो है फरमाइश की है अमीर अली ने। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पीसी हुई और साथ ही मैंने नमक इसमें इतना ही शामिल किया है, पर नमक जो है आपने अपने हस्ब ज़रूरत शामिल करना है। ज़रा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जो मिर्चे हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मशरूम जो है ये है 1 बॉक्स लिया है मैंने 250 ग्राम का, और मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 पाव। और ये बहुत जल्दी जो है पक जाते हैं मशरूम। और इसे मिक्स कर देना है आपने इस तरीके से। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पेस्ट में इस्तेमाल कर रही हूँ चंकी वेज टमाटो पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ, मैंने जो है मार्केट से ही तैयार पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ और उसका नाम है चंकी वेज टमाटो पेस्ट। वो इसमें मैं शामिल कर किया है मैंने और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ सी फूड। ये सी फूड मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी सी फूड सारा। और ये बहुत ज़्यादा जो है क्विक रेसिपी है, 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे। इसे सिर्फ मैं 5 मिनट पकाऊंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। मैं आपको दिखा रही हूँ टमाटो पेस्ट जो है इसका ड्राई हो गया बिल्कुल। इसे जो है अपना भून लेना है और इसे मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। पास्ता जो है बॉयल हो गया माशाल्लाह से, टैली पास्ता है। और ये डाल के इसके ऊपर जो मैंने जो है मसाला तैयार किया है वो मैं उसके ऊपर डालूंगी। और माशाल्लाह से ये तैयार है डिश, आप अपने बच्चों को मेहमानों को सर्व करें। और इस पर मैं मसाला सी फूड का जो तैयार किया है वो इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल के इसे सर्व करना है मेहमान को। और बहुत ही माशाल्लाह खुशबू उसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएगा। और मैं आपको एक बार फिर से बता दें, इसकी जो है मुझे रिक्वेस्ट आई थी अमीर अली की तरफ से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और साथ ही मैं बता दूं, दुआ और अरीशा इन्होंने भी कहा था वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।